इसमें काफी हो हल्ला हुआ, दोनों तरफ के लोग घायल हुए थे। भाजपा उन लोगों ने आरोप लगाया कि जो मारने वाले लोग यहाँ सामाजिक तत्व के लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता है। भाजपा का कोई बयान उस पर अध्यक्ष आया नहीं कि क्या भाजपा ही नहीं थे झगड़ा करने वाले, मारपीट करने वाले भाजपा के? जो बयान आया उसमें कोई जरूरत नहीं थी बयान देने की। तेजस्वी जी ने कहा कि अमित शाह जी को जवाब देना होगा, भाजपा भाजपा के मुद्दे हैं। इतने बड़े नेता के अमित शाह जवाब देंगे उनकी बात का, हम देंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी जी काफी से तो हम ही जवाब दे देते हैं। अमित शाह कहाँ से आएंगे यहाँ जवाब देने? उनको क्या है कि जो उन्होंने कहा असामाजिक तत्व, तो हमारे यहाँ असामाजिक तत्व जीरो होते हैं, तो पहला ही खारिज हो गया केस में। असामाजिक तत्व बीजेपी में हो ही नहीं सकते, ये सब उन्हीं को मुबारक हो, हमारे यहाँ कोई असामाजिक तत्व नहीं होता। हाँ, मैंने कहा सामाजिक तत्व उनको मुबारक हो, हमारे यहाँ तो सिर्फ सामाजिक लोग। उसी मुद्दे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि भाजपा के जो गुंडे हैं जो रोष में बताए। अब देखिए नेता प्रतिपक्ष है माननीय तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष है, उनको पूरा अधिकार है बीजेपी के कार्यकर्ता को गुंडा कहने का, लेकिन जनता हमें गुंडा नहीं मानती, वो किसे गुंडा मानती है ये जनता पे छोड़। उन्होंने कहा था सर कि भाजपा के नेताओं को बिहार में घूमना मुश्किल कर देंगे। नरेंद्र मोदी को भी कहा था कि अगली बार ऐसी घटना होती है तो नरेंद्र मोदी को बिहार में नहीं आने देंगे। इस तरीके की घटना होती है विपक्ष के द्वारा हमारे ऊपर, क्वेश्चन नहीं, हम इनका बदल लेंगे जो सर वो हम मोदी को आने के लिए तो बिहार में हम लोग तो घुस के बालाकोट में मार आते हैं, तो यहाँ क्या आने नहीं देंगे सर? ये आप बदल ले लेते हैं। हाँ सर, वो बोले थे कि नेताओं को घूमना मुश्किल कर देंगे। पूरे विधानसभा तक पूरे बिहार के हर ब्लॉक में जाऊंगा, ये मैं पहले आपको बता, हमें भाजपा के नेता